दोस्तों, अगर आप रोहित शर्मा को महान कप्तान मानते हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। भारत और विंडीज के बीच टी20 सीरीज के दूसरे मैच में विंडीज ने टॉस जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया। रोहित शर्मा और शिखर धवन भारत की पारी शुरू करने आए और सामने थे विंडीज के तेज बॉलरों शेन थॉमस। थॉमस ने पहला ओवर बहुत अच्छी लाइन पर किया और रोहित को मिडन ओवर किया। इसके बाद कीमो पॉल बॉलिंग के लिए आए और उन्होंने प्रभावी ओवर किया। अगला ओवर फिर थॉमस ने किया और भारतीय सलामी बल्लेबाजों पर अंकुश लगाए रखा। भारत का स्कोर 3 ओवर में 11 रन था। यहां विकेट का दबाव बन रहा था डॉट, लेकिन विंडीज के कप्तान कार्लोस ब्रेथवेट ने गलती करते हुए अपने स्ट्राइक बॉलर केमो पॉल से सिर्फ 1 ओवर करवाया। चौथे ओवर में विकारी पिल्लरे के रूप में पावर प्ले में स्पिनर को ले आए। यह गलती विंडीज को भारी पड़ी और इस ओवर में रोहित और धवन ने अपने हाथ खोल दिए। इस ओवर की पहली गेंद पर ही रोहित से चौका लगाया। हालांकि इस ओवर में कुल 9 रन आए, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों को उनकी लय मिल गई। इसके बाद थॉमस के अगले ओवर में भारतीय सलामी बल्लेबाजों ने मिलकर 17 रन ठोंक दिए और भारतीय पारी को पूरी तरह पटरी पर ले आए। इस तरह ब्रेथवेट के स्पिनर को लाने की गलती विंडीज को भारी पड़ी। इस तरह से वेस्ट इंडीज के कप्तान की एक मूर्खता ने भारत के टीम को बड़ा फायदा पहुंचाया और भारतीय टीम ने पहली पारी में 195 रन बना डाले। रोहित शर्मा ने भी शानदार शतक जड़ा और 111 रन की पारी खेली।